नमस्कार साथियों, देखिए आज हम भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने वाले हैं जिससे संबंधित दोस्तों हर एक परीक्षा में पूछा जाता, चाहे वो हाई स्कूल की रही हो, चाहे इंटर की या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं रही हो, उसमें जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना। तो दोस्तों देखिए आज हम कवर करने वाले हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रकरण क्या है, परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए चलते हैं बिना देर किए वीडियो पर। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। तो देखिए दोस्तों प्रकाश की परिभाषा हम कई प्रकार से दे सकते हैं, अलग अलग विद्वानों ने प्रकाश की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी एक प्रकार की परिभाषा हो गई, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है परंतु प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से हम कह सकते हैं लेकिन सिंपल रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है या हमारी सहायता करती है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए प्रकाश कहा जाता है कि प्रकाश जो है बंडलों में चलता है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश बंडलों में चलता है। किस में चलता है, यानी प्रकाश बंडलों में चलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें फोटोन कहा। क्या कहा, फोटोन, यानी प्रकाश जो बंडलों में चलता है न्यूटन ने फोटोन उन्हें कहा। ठीक है, पूछ लेता है कि प्रकाश बंडलों में चलता है जिन्हें क्या कहा जाता है, तो फोटोन कहा जाता है। ध्यान रखें प्रकाश की अगर चाल की बात करते हैं तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल, सर्वाधिक गति कह सकते हैं, सर्वाधिक गति कहां होती है दोस्तों, निर्वात में होती है। कहां, निर्वात में। और यह होती कितनी है, यह होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करते हैं प्रकाश के वेग की, सबसे पहले गणना किसने की, तो प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना की तो ये रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पूछ लेता है प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना किसने की, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं, और प्रकाश क्या है किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया हमारा, अब चलते हैं प्रकाश का प्रकरण। प्रकाश का प्रकरण क्या है, प्रकाश का प्रकरण, स्केटरिंग ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का प्रकरण क्या है, सिंपल रूप से समझ लेते हैं, प्रकाश का फैलाव ही क्या है, सिंपल। देखिए प्रकाश का फैलाव ही क्या कहलाता है भाई, प्रकाश का प्रकरण कहलाता है। देखिए जब प्रकाश कणों से टकराने के बाद फैल जाता है तो इस वाली घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकरण बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में प्रकरण बोलते हैं और सिंपल भाषा में हम इसे फैलाव बोलते हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश फैल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकरण। देखिए प्रकाश का जो प्रकरण है अलग अलग रंगों में अलग अलग तरह से होता है, या ऐसा कहिए कि प्रकाश के जो फैलने की दर है सभी रंगों की वो अलग अलग है। जिस रंग की तरंग दर ज्यादा होगी वो कम फैलेगा और जिस रंग की तरंग दर कम होगी वो कम फैलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बैंगनी जो रंग होता है दोस्तों, बैंगनी रंग, तो इसकी तरंग दर जो कम है, सबसे कम है, यानी जितने भी रंग है सबसे कम है, और कम होने की वजह से ये अधिक फैलता भाई, सर्वाधिक फैलता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर लाल रंग की देखें तो लाल रंग की जो तरंग दर है
वो सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक है, और सबसे अधिक होने की वजह से ये कम फैलता, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, तो दोस्तों ये भी पूछ लेता है, तो ये हमारी 3900 एंगस्ट्राम है। अगर मान लो लाल रंग की पूछता है, तो ये हमारी 7800 एंगस्ट्राम है, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दर है अधिक है, इसलिए आपने देखा होगा सुबह या शाम को सूरज का रंग जो है हमें लाल दिखाई देता, या आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें आकाश नीला दिखाई देता, बिल्कुल नीला, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम या सुबह को पूरा आकाश लाल दिखाई देता है। तो ये सब जो घटनाएं संबंधित हैं, यह प्रकाश के प्रकरण के कारण ही मतलब संभव होती हैं, उसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो इससे संबंधित क्लियर हो गया, ठीक है। ये पूछता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं फैलाव होता है या प्रकरण होता है किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है, वो लाल रंग का होता है। होता क्यों है, क्योंकि इनकी जो तरंग दर है लाल रंग की अधिक है और बैंगनी रंग की सबसे कम है, लाल रंग की सबसे अधिक और बैंगनी रंग की सबसे कम, इसीलिए बैंगनी रंग ज्यादा फैलता। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा परावर्तन। देखिए परावर्तन से भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये हाई स्कूल में तो जरूरी आता। तो देखिए चलते हैं परावर्तन पर। इसे दोस्तों हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में बोले तो इसमें क्या है, देखिए जब कोई किसी कह सकते हैं कोई प्रकाश की किरण है और किसी चमकदार सतह पर पड़ती है। मान लो जो ये चमकदार सतह है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है या फिर कोई चमकदार सतह है, तो इस पर प्रकाश की किरण इधर से आकर के पड़ी है, और ये आने के बाद वह उसी मार्ग में अगर वापस लौट जाती है, यानी इधर से आई मान लो ये, ठीक है, आने के बाद उसी मार्ग में लौटने की जो घटना है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल रूप से देखिए एक बार और समझते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटने की जो घटना है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें ये नियम याद रखने का है थोड़ा सा, कि इसमें जो है इसके नियम भी बहुत पूछता है। नियम क्या है, देखिए इसमें एक होती है हमारी आपतित किरण और एक होती है दोस्तों हमारी परावर्तित किरण। आपतित किरण तो वो होती है जो आती है, और परावर्तित किरण वो होती है जो जाती है, ठीक है। यानी आपतित किरण को दोस्तों हम आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तित किरण को हम आर से व्यक्त करते हैं। अगर देखिए इनके बीच के कोण की बात करते हैं, तो परावर्तित कोण देखिए ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब मतलब ये देखिए यहां से 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, तो ध्यान रखें ये हमारा ये वाला जो बिंदु है इसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। तो इसकी जो शर्त है क्या होती है, देखिए ये वाला कोण आई, ठीक है, और ये वाला कोण आर, दोनों बराबर होंगे। पहला, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है वो बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है, यानी ये वाला कोण हमारा आर और आई बराबर होंगे। दूसरा यह है कि आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर और हमारा जो अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। आप देख रहे हैं, देखो ये अभिलंब भी यहां मिल रहा है, ये लिख देते हैं अभिलंब, यहां आप देख रहे हैं अभिलंब भी यहां मिल रहा है, और जो आपतित किरण है वो भी यहां मिल रही है, और जो परावर्तित किरण है वो भी यहां मिल रही है। तो प्रकाश की ये वाली घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसके अगर रूल्स पूछता है, तो आपतित किरण के द्वारा जो बना गया कोण है और परावर्तित किरण द्वारा जो बनाया गया कोण है दोनों बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और हमारे अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये दो इसके नियम है, पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, देखिए सिंपल रूप से समझ गए होंगे आप। अब देखिए चलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन पर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या, देखिए सिंपल रूप से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से जो किरण है वो विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता। एक बार दोबारा समझे, जब प्रकाश की कोई किरण किसी मार्ग में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता। अब देखिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, विचलित होती क्यों है भाई। देखिए मान लीजिए कि एक ये हमारा अभिलंब है और आप देख रहे हैं कि यहां से प्रकाश की किरण चली,
ये हमारा वायु है, यानी माध्यम है कह सकते हैं, ये माध्यम है हमारा, वायु माध्यम, और ये मान लीजिए हमारा जल है। तो आप देखोगे कि जल जो है उसकी जो डेंसिटी है यानी जो उसका घनत्व होता है वो वायु की अपेक्षा कहीं अधिक होता है जल का। तो इसलिए ये बाली में प्रकाश की किरण चली, मान लो यहां से चली ये प्रकाश की किरण, तो आप देखोगे कि प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी अगर वो घने माध्यम में जाती है। सिंपल रूप से बोले तो सीधे माध्यम से अगर घने माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर वो घने माध्यम से सीधे माध्यम की ओर जाती है या विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो इससे किधर दूर हट जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये हट क्यों जाती है? क्योंकि इसकी जो सघनता होती है दोनों की डिफरेंस है, यहां कम थी तो इसलिए सीधी चल गई क्योंकि उसे रोक नहीं पाई, लेकिन यहां जल है तो जल की जो सघनता घनापन कह सकते हैं सिंपल रूप से, तो वो ज्यादा होने की वजह से वो झुक जाती है। तो प्रकाश की जो ये घटना है ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कई सारी घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना आपने देखा होगा रात को जब हम खुले आकाश के नीचे लेटे हुए होते हैं या सोए हुए होते हैं तो आप देखते हैं कि रात को हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण। दूसरा आपने देखा होगा सुई या क्षण का, सुई या क्षण का पानी से भरी बाल्टी में आकार में परिवर्तन। आपने देखा होगा कोई बाल्टी भरी हुई है अगर उसमें हम क्षण डाल देते हैं या कोई सुई डाल देते हैं तो उसका जो आकार है वो परिवर्तित होकर दिखाई देता, या फिर भरी बाल्टी में जल से भरी बाल्टी कह सकते, भरी बाल्टी में सिक्का डालना और सिक्का जो जहां हम डालना चाहते हैं वहां नहीं डलता, सिक्का डालना। तो ये वाली जो घटनाएं हो गई दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन अगर नहीं होता तो ये वाली परिवर्तन हमें मतलब देखने को नहीं मिलती। कभी कभी आपने देखा होगा कि जल में जो मछली होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से कहीं अलग हमें हटी हुई दिखाई देती है, तो क्यों दिखाई देती है? वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि उस पर भी प्रकाश का अपवर्तन जो रूल्स है वो लागू होता है। ठीक है, होती कहीं अलग है लेकिन वो दिखाई हमें कहीं अलग देती है। इसी प्रकार बाल्टी में पड़ी हुई कोई क्षण या सुई भी हमें इसी प्रकार दिखाई देती है। तो दोस्तों देखिए, आशा करता हूं कि प्रकाश से संबंधित काफी सारे तथ्य रह गए हैं तो मैं दूसरी वीडियो में उन्हें बनाऊंगा और दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो इसमें ये था प्रकिरण, परावर्तन और अपवर्तन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर थे जो पूछे जाते हैं अधिकतर, मैंने आपको बताए और आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज लाइक कर लें। दोबारा एक बार फिर बोल रहा हूं, आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।